दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मैच में भारत की टीम ने टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मतलब इसके बाद भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 रन के स्कोर पर केशव महाराज ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया और रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद ऋषभ पंत भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और केशव महाराज की गेंद का वो भी शिकार बन बैठे और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे इस मैच में। जहाँ दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी केवल 3 रन बनकर रबाड़ा की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन एक तरफ दोस्तों इस मैच में विराट कोहली काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और 3 विकेट गिर जाने के बाद उन्होंने पूरी तरह भारत की पारी संभाला और इसके बाद उनका पूरा साथ अक्षर पटेल ने निभाया, जहां इसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने इस फाइनल मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। और इस मैच में भारत की शुरुआती 3 विकेट लगने के बाद भी इन दोनों ने भारत की इस मैच में वापसी करवाई थी। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल को अपना अर्ध शतक पूरा करने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत थी, कभी 106 रन के स्कोर पर वो डिका की हाथ रन आउट हो बैठे। और दोस्तों अक्षर पटेल 4 छक्कों की मदद से 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद विराट कोहली का साथ देने शिवम दुबे उतरे थे। और दोस्तों शिवम दुबे ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इस बीच विराट कोहली बीच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने इस मैच में एक के बाद एक 2 बड़े छक्के लगाए और कई सारे चौके भी लगाए और वो इस मैच में पूरी तरह एकदम से गियर चेंज कर दिया था। लेकिन दोस्तों 163 रन के स्कोर पर विराट कोहली एक शानदार छक्का लगाने की कोशिश में मार्को जॉनसन की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों विराट कोहली 59 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 76 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद शिवम दुबे भी, जो कि इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी आखिरी ओवर में नोकिया की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। आखिर में जडेजा भी 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इसके बाद हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जहां इंडिया की टीम इस मैच में 176 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक नोकिया और केशव महाराज को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत से ये मुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को 177 रन बनाने थे और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर बुमराह ने रिचा हेंडरसन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और इसके बाद 12 रन के स्कोर पर कप्तान माकरम ने केवल 4 रन बनाकर अर्षदीप सिंह की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्विंटन डिकक और क्रिस्टन स्विफ्ट ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करी और इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 68 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों 70 रन के स्कोर पर अर्षदीप सिंह ने क्रिस्टन स्विफ्ट और वो 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने क्लासन उतरे थे और दोस्तों क्लासन ने इस मैच में पूरी तरह भारत के हाथ से मैच छीन लिया था और एक तरफ डिकक भी इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 106 रन के स्कोर पर उन्हें अर्षदीप सिंह ने आउट कर दिया और डिकक 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद मिलर इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे थे और दोस्तों इसके बाद क्लासन ने इस मैच में पूरी तरह कमाल की बल्लेबाजी करी और अक्षर पटेल के 15वें ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बना दिए। और दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को अगले 30 गेंदों में 30 रन बनाने थे और इसी बीच क्लासन ने 23 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैच में पूरी तरह चमत्कार हुआ, जो कि यहां से भारत का जितना बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट करा और वो 52 रन बनाकर आउट हो गए थे, क्योंकि इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने मार्को जॉनसन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और इसके बाद अर्षदीप सिंह ने भी काफी कफायती गेंदबाजी करी थी और इसी वजह से आखिरी ओवर में अब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 16 रन बनाने थे। और दोस्तों हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर डालने आए और हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर मिलर ने एक शानदार छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच पकड़कर मिलर को आउट कर दिया। और दोस्तों इसके बाद भारत की टीम ये मुकाबला 7 रनों से जीत गई और दोस्तों भारत की टीम इसी तरह वर्ल्ड कप के फाइनल अपने नाम कर लिया। और दोस्तों ये टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप की विजेता बन चुकी है। हार्दिक ने इस मैच में 3 विकेट चटकाए तो दोस्तों बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाई।